जब भी हमारे घरों में दूध फट जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि उस दूध का क्या करें और वो दूध वेस्ट हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फटे हुए दूध से बनने वाले नान की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप दूध ले लिया है। इसे अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही दूध में एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सिरका डाल दूंगी और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए इस तरीके से फट जाने देंगे। अच्छे तरीके से जब दूध फट जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अब 2 कप के करीब मैदा। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे शुगर डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी सॉल्टेड बटर। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेन बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर उस केस में आप नमक थोड़ा ज़्यादा डालें। अब इसे अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी मैं, ये जो बटर मैंने लिया है, और अच्छे तरीके से पूरे मैदे में मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से मैदे में बटर मिक्स हो गया है। इसके बाद जो दूध हमने ठंडा करने रखा था फाड़ के, वो अब मैं देख लूँगी। अच्छे तरीके से दूध ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें इस तरीके से इसे पोर कर दूंगी सारा। और अब ऐसे छेने को पहले मैंने फोड़ लिया है, उसके बाद अच्छे तरीके से आटे के में इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो बनाते समय इस बात का ख्याल रखें इसे बहुत ज़्यादा गीला ना कर दें, क्योंकि जब हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये डो थोड़ा सा और सॉफ्ट होगा। तो आप डो इस हिसाब से लगाएं कि रेस्ट करने के बाद जब इसे आप निकालें तो आप जैसे रोटी के लिए एक सॉफ्ट डो बनाते हैं उस तरीके का डो तैयार हो। अब मैं इस तरीके से इसे फोल्डिंग मेथड से अच्छे तरीके से गूंथ के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप किसी गर्म जगह में रख रहे हैं तो आधे घंटे के लिए रखें, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में आप रख रहे हैं तो 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद मैंने डो को इस तरीके से देख लिया है। अच्छे तरीके से डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी नान बेल लेंगे। तो इसके लिए मैं इसकी लोइयां काट ले रही हूँ। जितनी बड़ी आपको नान बनानी हो उस तरीके से लोइयां आप इसमें काट लीजिए। लोइयां कट जाने के बाद अब मैं इसकी नान तैयार कर लूँगी। तो लोई को मैंने इस तरीके से फोल्डिंग मेथड से फिर से ऐसे बना लिया है, ये देखिए, और अच्छे तरीके से इसे रोल करते हुए ऐसे राउंड शेप में बढ़िया इसकी एक बॉल बना लेंगे। बिल्कुल क्लीन बॉल बनानी है आपको, बिल्कुल क्रैक्स ना हो। और इस तरीके से मैदा डस्ट करते हुए अब मैं इसे बेल लूँगी। बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा पतला बेलें, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना उस तरीके से, क्योंकि जब ये पकती है तो उसके बाद ये फूलती है, तो ज़्यादा अगर आपने मोटा बेल दिया तो फूलने के बाद और मोटी हो जाएगी। वैसे मैंने बढ़िया पतला बेल लिया है इस तरीके से। इसे अच्छे तरीके से बेल लेने के बाद अब मैं इसमें ऊपर से इस तरीके से कलौंजी डाल दूंगी और थोड़े से धनिया के पत्ते, और एक बार इसे ऐसे और बेल दें जिससे कि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से चिपक जाएं। अब इसे मैं पलटा लूँगी और इस साइड में जो आपका बैक साइड हो रोटी का उसमें आप इस तरीके से पानी लगा दें। ये देखिए, अच्छे तरीके से पानी लगा दें इसमें। जिस साइड आपको तवे में डालना हो रोटी उस साइड में आपको पानी लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पानी लगा दिया है अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम तवा गर्म कर लेंगे। तवा हमको यहाँ पर नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं वो लेना है, नॉनस्टिक तवा नहीं लेना है, या फिर अगर आपके पास आयरन तवा हो तो वो बेस्ट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे हल्का सा नमक का घोल बना लिया था और इसे इस तरीके से तवे में छिड़क दिया है गर्म होने के बाद। इससे हमारी जो नान है वो इसमें अच्छे तरीके से चिपक जाएगी जब हम इसमें रखेंगे। तो अब मैंने इसमें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से नान को रख दिया है। जिस साइड पर हमने गीला किया था पानी से वो साइड हमने नीचे की तरफ रखा है। अब इसे मीडियम हीट पे 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकने देंगे। जब ये अच्छे तरीके से ऐसे बबल्स आने लगे ऊपर की तरफ तो इसे तवे को ऐसे पलटा के और अच्छे तरीके से इसे सेक लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए इसे पकाएं। ये देखिए, ऐसे पकाना है आपको इसे। अच्छे रेड स्पॉट आ जाएं तब तक आप इसे अच्छे तरीके से पकाते रहें। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अच्छे रेड स्पॉट आने तक इसे पका लिया है और अब हमारी नान बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे तवे से। इसके बाद अब सेम तरीके से मैं बाकी की जो नान है वो भी बना रही हूँ और इस तरीके से इसे सेक ले रही हूँ।
जब आप तवे में नान बना रहे हो तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से नान आपकी तवे में चिपक जाए, क्योंकि जब आप उसे पलट के सेकेंगे और वो गिर जाएगी तो वो फिर अच्छे तरीके से पक नहीं पाएगी। तो अच्छे तरीके से उसे चिपका लें और इस तरीके से रेड स्पॉट आने तक सारी नान जो है उस तरीके से आप सेक लें। आप चाहें तो इसमें इस तरीके से बटर भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें बटर भी लगा लिया है और देखिए कितनी सुंदर नान बनके तैयार हुई है। जितनी ये देखने में सुंदर है उससे ज़्यादा अच्छी ये टेस्ट में लगेगी। एक बार ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।